फर्स्ट ऑफ अगस्त को जितना एनरोलमेंट हुआ अपने विश्वविद्यालय में भिजवा दीजिए इधर मिनिस्ट्री में, ये छात्र एनरोल हुए हैं, ये उनका डिटेल। अब अगर वो दाएं बाएं डिग्री देगा तो पकड़ा जाएगा, ऐसे कुछ निकालेंगे तरीके, पकड़ के तौर पर मैंने बता दिया, ऐसे तरीके निकालेंगे जिससे कि उनकी मनमानी ना चल सके और शिक्षा का भंडारण ना कर सके। लेकिन उसमें कुछ ब्लैक शिप्स भी हैं, तो ब्लैक शिप्स को वजह से पूरी सिस्टम करना हो ये ना हो पाए, तो उसके लिए कुछ ये सोचा है अभी तक। तो मॉनिटरिंग उस आज के विश्वविद्यालय और सरकार के प्रतिनिधियों की कैसे रहेगी, जहाँ तक है जो नकल रोकने के लिए सिस्टम हमारा खड़ा किया उसको और मजबूत करेंगे, ये सब चल रहा है। समय एडमिशन चलता तो तीन तरह से होगा एडमिशन, जैसे आप तो ठीक है सी यू टी ने किया है लेकिन सारे विश्वविद्यालय उसमें नहीं अच्छा सुन रहे होता है या आपके बी एड होता है डी यू टी का एक होता है क्यों नहीं किया गया आपसे रिहर्सल किया है अब उसमें भी जा रहा है मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी के नाम से जा रहा है कम्बाइंड टेस्ट में फिर उनको डेट बढ़ा दी है कॉलेज आधे कॉलेज शामिल है अच्छा अच्छा करप्शन नहीं है दूसरी बात बच्चों के लिए मानसिक उत्पीड़न है दो तीन चीज़ें दिक्कत है बच्चों के लिए एक तो ये है कि जरा उससे बुला रहा है अपने चलती रही है जैसे नहीं हो रहा है देखिए लिंक दो जो रिपोर्ट है हमने तो सब विश्वविद्यालय महाविद्यालय को दिया कि उस रिपोर्ट के अथॉरिटी का वो चुनाव करा लीजिए। अब जब वो कानुसरण नहीं कर पाते माइक्रोवे की परिस्थिति हो तो नहीं हो रहा होगा चुनाव। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल होने के बाद जो है बीजेपी एक व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है मिशन 2024 को लेकर के। इसी पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय से और सुनेंगे कि आखिर इन 9 सालों को वो कैसे देखते हैं, क्या रहेगी 2024 के अंदर। सर 9 साल हो गए हैं मोदी सरकार के, कैसे देखते हैं 9 साल? ये 9 साल भारत राष्ट्र के पुनर्जागरण के इतिहास में लिखे जाएंगे। जब पूरा देश घोटालों में घिरा हुआ था, पूरा देश नेगेटिविटी से डूब चुका था, लोग से ये कहने लगे थे अब देश का कुछ नहीं हो सकता, उस समय मोदी जी का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने जो नई दिशा दी। आज वो जमाना चला गया जब घोटाले हुआ करते थे और जो राष्ट्रहित के कार्य हैं बड़े बड़े वो हुए, पूरे विश्व में राष्ट्र का सम्मान घट गया था, आज राष्ट्र का स्वाभिमान और सम्मान दोनों बड़ा है, देश का और देशवासियों का दोनों का स्वाभिमान मस्तक ऊपर उठा है और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति की समस्या से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी समस्याओं को उन्होंने सुलझाया है और एक दिशा दी है, एक उसका स्थान बनाया है, पूरा अपने गौरव को पुनः स्थापित किया है। जो राष्ट्रवादी मांग थी हम लोगों की, जैसे 370 का हटना, राम जन्मभूमि का बनना और इस तरह की कई जो थे उन सबको पुनर्स्थापित करके उनको जिनको लोग कहते थे हट नहीं सकते अब उनको जब स्थापित किया, बड़े और कड़े निर्णय लिए मोदी जी ने। तो इसलिए ये 9 वर्ष बड़े निर्णय कड़े निर्णय के लिए जाना जाएंगे और ये 9 वर्ष मोदी जी के उस व्यक्तित्व कृतित्व से जाने जाएंगे जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति से लेकर सर्वोच्च शिखर पर देश के सम्मान को सुरक्षित किया है। सर उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बीजेपी ने मिशन 80 यानी 80 की 80 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है ये संभव होगा इस बार? बिल्कुल संभव होगा। जनता पार्टी के राज्य में जनता पार्टी जब आई थी तब भी 85 की 85 सीटें जनता पार्टी ने जीती थी, तो असंभव कुछ नहीं है और उस पार्टी के लिए असंभव नहीं हो सकता जिसके पास मोदी जी और योगी जी जैसा व्यक्तित्व हो और उनके किए गए कृतित्व हो जो अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति का हित साधते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में और जिसके पास देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की एक ऐसी फौज हो जो अपने नेतृत्व के किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाना और जनता तक काम ठीक से हो रहे कि नहीं हो रहे इसको देखना और जनता से सतत संपर्क बनाए रखना, तो
तब ये सब जिसके पास है पार्टी के पास, वो हमारी पार्टी है, तो इसलिए मिशन 80 में कोई मुझे शक नहीं महसूस होता। सर एक अंतिम सवाल, कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस जो है विपक्ष को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, बिहार में भी